वेलकम माई चैनल स्टडीड की फिर स्माइल आया। मैं क्या स्टूडियो हूँ, आपको बताने वाला है आपके डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है। आप कुछ भी खाते हो तो आपको हजम नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए बस ये तीन चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है अभी के टाइम पे। अगर आपको इनसे इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके बाद आपको हम सेकेंड पार्ट जरूर बना के देंगे, और आपको इनसे इफेक्ट पड़ता है और अभी आपको ज़्यादा नहीं पड़ रहा है तो उसके बाद भी आप बताइए, तो हम जल्दी से जल्दी ज़रूर लेके आएंगे। तो हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं इसके बारे में। तो ये वो चीज़ है कि हमने खुद मैक करी, तो मैं जब मैक करने वाली वीडियो थी ना, वो मुझसे पता नहीं कैसे लिड हो गई या मैं बनाना भूल गया, मुझे याद नहीं है अभी तक। मैंने बनाई ज़रूर थी मुझे ऐसा लग रहा है, तो बस ये हो चुका है। तो हमने जो इसके अंदर चीज़ें डाली हैं उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सौंफ, अजवान और आपको जो एक और चीज़ आती है कलौंजी, तो हमने इन चीज़ों को तीनों चीज़ों को मिला के बनाई है ये। तो हमने इसको जब बनाया तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, जब आप ये चीज़ बनाओ ना तो आपको इसे दिन में ही खाना, रात में ना खाएं। और आपको जो सेकेंड एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसको पानी में डाल के खा सकते हैं और बिना पानी के। तो आपको एक चीज़ अच्छे से एक और बता दें कि आपको जो रहती है सौंफ, तो सौंफ लेना है आपको, कौन सी वाली जो खाने वाली रहती है, आप वो साल में डालने वाली बिल्कुल मत लेना, उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़े नहीं पड़े। मगर इसमें जो सौंफ डाली है वो आप बोलना जाके खाने वाली दे दिए। उससे आपको अजवाइन लेनी है, तो अजवाइन आपको आराम से मिल जाएगी दुकान के ऊपर, और कलौंजी भी आपको मिली जाएगी। तो आप ये चीज़ें तीनों चीज़ें मिला के खाइए, और इतने ज़्यादा नहीं, आधे चम्मच से कम लीजिए, आधा चम्मच लेके खाइए, पानी में डालिए, सादा खा सकते हैं आप। इससे आपको ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। और आपको इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक करना है, आप उसका आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे आपने हल्की फुल्की ऐसे करिए ना, तो आपको इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो बिल्कुल बारीक कर लेंगे उससे आपको ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारी सेकेंड चीज़ आती है वो इसबगुल की भूसी, तो आपको जो इसका नाम है ना, आपको इसबगुल की भूसी याद रखना, दुकान पर मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्किन भी इससे ब्राइट होती है जो इसबगुल की भूसी, और साथ में इससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक होता है। तो आपका जब दोनों चीज़ें आपके सही होंगी और साथ में आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बढ़ेगा उससे। आपको वो चीज़ लेना भी मेरे पास ख़त्म हो चुकी है और मार्केट के अंदर अभी मिल नहीं रही, तो इसके बारे में उसकी वीडियो आपको बता, मतलब ऐसे खा के बता नहीं रहा, तो वो मेरी गलती है। और मेरी क्या गलती रहेगी, इतना ज़्यादा बने तो मैं ला भी नहीं सकता उसे। उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको उसे पानी में डाल के खा सकते हैं या आप उसे दूध में। तो आपको ध्यान रखना, आपको खाना हजम करना है तो आपको उसे पानी में डाल के खाना है, और आपको दूध में कम ही खाएं तो अच्छा रहेगा। दूध से आपको उससे क्या रहेगा कि आपकी जो नॉर्मली जो दस्तमस लग जाते हैं ऐसे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ इसके ये ध्यान रखना होगा कि आप उसे दूध में कम ही खाएं, साथ में पानी में डालें, पानी एक गिलास ले लें, उसके अंदर आपको एक चम्मच डाल देनी है उसे, और आराम से खाएं। उसका आपको 10 रुपये का पैकेट भी मिल जाएगा, और एक 50 वाला भी आता है, 50 वाला भी शायद बन हुआ है, तो 100 वाला भी मिलता है। 100 वाला हमने लिया था अभी थोड़े दिन पहले, तो वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम फिर 10-10 वाले लिए थे हमने, 5-6, तो वो भी हमने ख़त्म कर दिए। उससे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। मैंने इसलिए लिए थे कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैं देखने के लिए लिए थे। मैंने एक बार पहले डॉक्टर ने सजेशन करा था कि इससे ये होता है, इससे स्किन में फ़र्क पड़ता है, तो हमने उसी लिए ली थी वो चीज़। तो उससे हमें साथ में डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, हमने देखा, और हमने साथ में कई लोगों से सुना भी उससे ये फ़ायदा होता है। तो उसका हमारा था पपीता, तो पपीता आप नहीं खाते हो कभी से, खाना स्टार्ट करो तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इससे आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो आपको इससे कभी, मतलब धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम नहीं होगा। आप ये 2 चीज़ें लेते हो ना, इनसे आपको कुछ इंस्टेंट रिजल्ट मिलना ज़रूरी ऐसा होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। वो सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ इसबगुल की भूसी से मिलेगा। ये चीज़ आप बनाना, आपको नहीं बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, इसबगुल की भूसी एक बार लेके देख लेना, आपको उससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और आपको पानी में डाल के खाना है, बिना उसके मत खाना है। शादी तो शादी से आपको नुकसान हो सकता है, मुझे इतना मालूम नहीं, मैंने शादी की भी खा के देखी थी, उससे मुझे ऐसा फ़ायदा तो नहीं, थोड़ा नुकसान ही हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप उसे पानी में डाल के खाएं, आपको ज़रूर इफेक्ट मिलेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये खा के देखें आपको इससे फ़ायदा मिलता है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को आके लाइक करना, एक कमेंट करना कि हाँ मुझे फ़ायदा मिला। ऐसा नहीं कि भूल जाओ कि भाई इसने बताया था कुछ चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ है। ये आपको नहीं मिलता तो एक ज़रूर आके आप मुझे बताइए फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं उसके लिए एक सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। आपको मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मिलेगा, जब भी हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे आपको उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो, तो हम जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट लाने की कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं करना तो कर लें, ताकि इस तरह की परेशानी उन लोगों को भी, उनको भी सॉल्व होगी, और साथ में हम जब उन्हें करेंगे तो शायद हमारी भी सॉल्व हो, हमारे अच्छापना देख के ऊपर वाले भी हमारा कुछ साथ दे, हमारी बॉडी के अंदर हमारी शक्ल सुधार दे, ऐसा भी हो सकता है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इस वीडियो को शेयर करना है, साथ में लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।